हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है इसको जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जब हम किसी सब्सटेंस पदार्थ को खाते हैं, उपभोग करते हैं, तो हमें उससे एनर्जी की प्राप्ति होती है, तो हम उसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पोषक बोलते हैं, पोषक पदार्थ बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स। मिनरल्स तो ये आपके 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। एक एक को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को एनर्जी की प्राप्ति होती है, तो ये भी एक न्यूट्रिएंट्स है। तो एक दिन में एक व्यक्ति को 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, क्या खाने पर कार्बोहाइड्रेट मिलता है इसको जानते हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहला तो हम लोग सब्जी, कौन सी सब्जी खाएं हमें कार्बोहाइड्रेट मिले। तो पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू, आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, शकरकंद से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। टैपियोका मतलब साबूदाना, जो साबूदाना मार्केट में आता है, बच्चों को खिलाया जाता है, वो इसी से बनता है, टैपियोका होता है, तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और फ्रूट से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। कौन कौन से फ्रूट हैं, बनाना है मतलब केला, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट मतलब आड़ू, और डेट, डेट मतलब खजूर। ये सब अच्छे सोर्स होते हैं, यानी अच्छे स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रोटीन। प्रोटीन में भी एनर्जी, प्रोटीन से भी एनर्जी प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी, मतलब 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रोटीन के क्या कौन कौन से सोर्स हैं ये देखते हैं। सब्जी में देखते हैं, वेजिटेबल में देखते हैं, तो मटर से प्रोटीन मिलता है। काउपी मतलब लोबिया, हमारे आपके यहाँ बोड़ा इसे भी बोलते हैं, लोबिया जिसे कहते हैं, तो इसे काउपी इंग्लिश में बोलते हैं। इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और एक ब्रॉड बीन, ब्रॉड बीन मतलब भाखला होता है, यानी तो इससे प्रोटीन प्राप्त होते हैं। यानी जितने भी दलहनी फसलें हैं, जैसे दाल वाली जो हैं, मटर हो गए, चना हो गया, और ये सब, इससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसका उपभोग करने पे प्रोटीन प्राप्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, फ्रूट में, फ्रूट कौन सा फ्रूट खाएं हमें प्रोटीन प्राप्त होगा ये देखते हैं। कैसोनट, कैसोनट मतलब जो काजू होता है, काजू आप लोग मार्केट से खरीद के खाते होंगे, तो इससे भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आलमंड है, आलमंड मतलब बादाम, बादाम से हमें 20.3% प्रोटीन मिलता है। और वालनट, वालनट मतलब अखरोट, अखरोट से 15.6% प्रोटीन मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन कैसोनट से मिलता है, जो काजू खाया जाता है, तो 21.2% प्रोटीन इससे मिलता है। तो ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है कैसोनट आपका। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।